आज हम बात करेंगे प्लगइन्स के अबाउट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लगइन्स के अबाउट। प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। इसको मजीद समझने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहां पे जाके इसके अबाउट बात करेंगे। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे हम बात करेंगे प्लगइन्स क्या होते हैं। मैं आपको पहले बेसिक सा कंसेप्ट दे दूँ। अगर हमने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, देखें वेबसाइट कोई भी हो उसकी दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका डिज़ाइनिंग विजुअल्स और एक उसका फंक्शनैलिटी पार्ट। तो वर्डप्रेस के जो प्लगइन्स होते हैं वो हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में कोई भी नई चीज़ ऐड करने के लिए, राइट। डिज़ाइनिंग के प्लगइन्स भी हमारे पास मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने वेबसाइट को डिज़ाइन भी कर सकते हैं, और डिफरेंट फंक्शंस या डिफरेंट जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो हमें अपने वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लगइन्स का सहारा ले सकते हैं, प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन, एक वेबसाइट ओपन की हुई है अपनी खुद की, और यहाँ पे देखें आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है लाइव चैट का। कोई भी बंदा अगर मेरे से लाइव चैट करना चाहे मेरी वेबसाइट पे आके, यहाँ पे वो लिख सकता है हेलो एहसान, आई नीड हेल्प, राइट। तो ये मैसेज मेरे मोबाइल के ऊपर आ जाएगा डायरेक्टली। तो ये फंक्शनैलिटी मैंने बेसिकली एक प्लगइन को यूज़ करते हुए सेटअप की है। इसी तरह आप अगर कॉन्टैक्ट के अंदर जाते हो, ठीक है, और कॉन्टैक्ट के अंदर आपको नज़र आता है कॉन्टैक्ट फॉर्म, ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं लगाया हुआ क्योंकि मैंने डायरेक्टली लाइव चैट सेटअप किया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट फॉर्म, अपॉइंटमेंट बुकिंग, डिफरेंट वेबसाइट्स पे आपने अपॉइंटमेंट की बुकिंग देखी होगी, या डिफरेंट तरह की फंक्शनैलिटीज, लाइव चैट सिस्टम, डिफरेंट फॉर्म्स लगे होंगे, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने एजुकेशन वेबसाइट्स के ऊपर एग्जाम्स के रेलिवेंट जो है क्विजेस की तरह का फंक्शनैलिटी देखी होगी, वो भी आप प्लगइन से ऐड कर सकते हैं। आपने जैसे एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं या स्कूल में एडमिशन के फॉर्म्स होते हैं, आपने डिफरेंट वेबसाइट्स पर देखे होंगे कि वहाँ पे जाओ वो फॉर्म्स फिल करने पड़ते हैं आपको और आप एंटर करते हो और उनके पास डाटा चला जाता है। तो प्लगइन्स के ज़रिए ये सारे काम और इससे भी बहुत ज़्यादा वास्ट मेजोरिटी के अंदर एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटीज़ हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लगइन्स, राइट। तो प्लगइन्स का जो अगर मैं सिंगल लाइनर के अंदर बताऊँ तो कोई भी एडिशन ऐड करना हम अपनी वेबसाइट के अंदर चाहें तो प्लगइन्स को यूज़ करते हुए यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी प्रीबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं छोटे छोटे जिनको हम अपनी वेबसाइट के अंदर, वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करते हैं, राइट। अब ये प्लगइन्स का ऑप्शन हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे देखें ऑप्शंस इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे कि कितने प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है। अभी जो ऑलरेडी हैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैंने ऑलरेडी जितने भी प्लगइन्स यहाँ पे मौजूद हैं उन सबको डिलीट कर दिया है और यहाँ पे अभी कोई प्लगइन भी इंस्टॉल नहीं है। और यहाँ पे अब मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू और यहाँ पे देखें बहुत सारे प्लगइन्स मेरे सामने आ गए हैं। लेट्स सपोज मैं एक लाइव चैट प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, लाइव चैट प्लगइन, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे लाइव चैट प्लगइन्स नज़र आ जाएंगे इस तरह के, जिनको यूज़ करते हुए मैं अपनी वेबसाइट में लाइव चैट का ऑप्शन इंस्टॉल कर सकता हूँ, सेटअप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ गए, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये प्लगइन अच्छा है और ये मुझे यूज़ करना चाहिए इस पर्पज़ के लिए, तो यहाँ पे देखें आपको रेटिंग्स नज़र आ रही हैं, राइट, एक्टिव इंस्टॉल्स नज़र आ रहे हैं कि ये कितना पॉपुलर प्लगइन है, ये कितना पॉपुलर प्लगइन नहीं है। और मज़ीद इसके बारे में आप यहाँ पे मोर डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपके इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगी कि ये प्लगइन क्या क्या कर सकता है और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है अगर आप इसको इंस्टॉल करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। और इसको इंस्टॉलेशन करने का तरीका यहाँ पे आपके पास कंप्लीट बताया गया है, उसके बाद इसके रेलेवेंट कुछ FAQs हैं या स्क्रीनशॉट्स हैं कि ये किस तरह से शो होगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे देखें इस तरह से शो होगा ये आपकी वेबसाइट के अंदर, राइट। तो इस तरह से आप एक प्लगइन का जायज़ा ले सकते हैं कि आपको कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करना चाहिए। इसी तरह मुझे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है तो मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म लिखूंगा और यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म से रेलिवेंट प्लगइन्स आ जाएंगे जिनको यूज़ करते हुए मैं डिफरेंट कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बना सकता हूँ। लेट्स सपोज ये कॉन्टैक्ट फॉर्म को मैं देखता हूँ कि इसके ज़रिए मैं किस तरह के प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बना सकता हूँ, तो स्क्रीन शॉट्स में आऊँगा। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकता हूँ,
ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा मेरे डैशबोर्ड के अंदर और उसको मैं फ्रंट एंड पे यूज़ कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये थे प्लगइन्स जिनको यूज़ करते हुए आप किसी भी तरह की फंक्शनलिटी अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब प्लगइन्स पेड भी होते हैं, फ्री भी होते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा जिनमें फंक्शनैलिटी होती है, हाई एंड फंक्शनैलिटी होती है, वो आपको पेड में मिलेंगे। जिनको आप उसी तरह की वेबसाइट जैसे थीम फॉरेस्ट या और वेबसाइट से उनको या परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जितना मतलब 90% काम फ्री प्लगइन से ही चल जाता है, तो हमें कोई नॉर्मली पेड प्लगइन इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं, यहाँ पे हर तरह का प्लगइन आपको मिल जाएगा। हर तरह की ज़रूरत के लिए आपकी वेबसाइट की जो भी नीड्स हैं उन सब की नीड्स के रेलिवेंट आपको यहाँ पर प्लगइन्स मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ आई होगी कि किस तरह से जो है प्लगइन्स को यूज़ करना और प्लगइन्स करते क्या हैं या उनका काम क्या है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।